हैं सर, जिनके घर में उनकी बहन और बीबी में उनको समांतर पता नहीं है, ऐसी समुदाय से हम क्या उम्मीद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज की वीडियो में होगी फिर से धमाल। जी गाइस, आप देख सकते हैं ये जो एक छोटी सी पिलुआ है वो सड़ी सड़ी बातें कर रही है, जो कि बोल रही है मुसलमान अपने बहन और बीवी में कोई भी अंतर नहीं यानी रखता है, कुछ भी उसको अंतर नहीं दिखता है, जो कि आप लोग खुद सुने हैं। जी गाइस, तो आप लोगों को बता दें ये कोई छोटी सी बात नहीं, अगर आप सोचिएगा तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, ये सब सड़ी सड़ी बात इन लोगों को सोशल मीडिया पर फेमस होना रहता है सोशल मीडिया पर, तो ये सब हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, सड़ी सड़ी बातें करने लगते हैं। जो कि इससे पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाया, एक यानी आदमी अपने बेटी से शादी कर लेता है, और भी गाइस बहुत सारी वीडियो है जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं इस लड़की को दिखाना चाहता हूं कुछ वीडियो, जो कि देखिए आप लोग किस में अंतर नहीं रहता, यानी जो इसमें तो हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बोल रही कि मुसलमान में ना तो बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं रहता है, यानी बेटी और बीवी बहू जो भी हो उसमें अंतर नहीं रहता। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो देखिए। अंकल एक मिनट, एक सेकंड, कुछ बात करनी है आपसे। ये आप अभी यहाँ पे क्या शादी करके आ रहे हो? शादी करी आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसके देखो, लड़की की इसको देखो, एज देख रहे हो आप इसकी, कितनी छोटी है ये और आप इतने बड़े हो। बेटा एक्सपायर हो गया था, तो ये मेरी पहले बहू थी, तो इनके भी आगे पीछे कोई है, तो मेरा भी एक बेटा था वो भी चला गया, तो इस करके मैंने कहा घर की बात घर में ही रह जाए। तो ये मतलब घर की बात कोई अच्छी बात है? ये अच्छा था आपको, मतलब अच्छा लग रहा है कि जो आपके बेटे की बहू थी अब आप शादी कर ली? अब क्या बताएं, अब नहीं क्या बताएंगे, आपको सोचना चाहिए ना, समाज क्या बोलेगा। आपने सोचा मंदिर में आप आ रहे हो और यहाँ पे शादी करके, मतलब क्या मैडम कोई जोर जबरदस्ती से शादी है आपकी? क्यों करी है शादी आपने? आपको नहीं पता आपका फ्यूचर है आगे, अभी आपकी एज क्या है, कितनी एज आपकी? 25 एज है। और आपकी कितनी है? 45 साल। तो मतलब दुगना फर्क है, आपको वो नहीं दिखा क्या? मेरे को यहाँ पे नहीं, आगे पीछे कोई भी नहीं है मेरे, तो इसलिए आपने इनसे शादी कर ली। मतलब आगे पीछे आपका कोई भी नहीं है, तो इन अपने ससुर से शादी कर ली? थोड़ी शर्म वरम नहीं आई आपको? मतलब कुछ तो सोचना चाहिए ना कि चलो ठीक है अंकल, आपको तो शर्म आनी चाहिए ना, चलो ठीक है इसका तो हस्बैंड एक्सपायर हुआ, लेकिन आपको तो सोचना चाहिए ना। घर की इज्जत को छोड़ा भी नहीं जा सकता ना, बाहर भी नहीं छोड़ा जा सकता। अरे छोड़ा क्या नहीं जा सकता, आपने कभी इसको एक तरीके से आपने। तो गाइस, आप लोगों ने ये वाली वीडियो तो देख ली, उसके बाद कुछ और वीडियो है जो कि बहुत ही खतरनाक है, तो चलिए उसको देखिए। आंटी जरा क्या चल रहा है? आंटी मेरी बहन का लड़का है, मैं इससे शादी करती हूँ, प्यार करती हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा है। इधर आओ, क्या कर रही हो तुम? ये तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम अपने बेटे के उम्र के लड़के शादी कर रही हो, अपने बच्चे के जो तुम्हारा पोता है, ये तुम्हारे पोते उम्र के लग रहा है? मेरे पास पैसा है। क्या है? मैं तो शादी करूँ। अच्छा, तुमने शादी कर ली इनसे? हाँ भाई, हाथ का हाथ बहुत तेज मारूंगा। हाँ, क्या कह रही हो तुम, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास बहुत पैसा है। अच्छा, शादी करूंगा इसी से। इसी शादी करोगी? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम अपनी किसी, कौन है तुम्हारा? ये इसका पति है। ये तुम्हारा पति है? हाँ। अच्छा, तुम्हारा पति है ये? हाँ। ओए बहुत तेज मारूंगा ड्रामे में तेरे से, आगे समझ क्या पीछे जा, पीछे आड़ा आटा मारूंगा तेरे धक्का मत दे, पकड़ जरा फोन पकड़ी। अम्मा, ओ अम्मा, शर्म नहीं आती? कहाँ की तू, कहाँ की अम्मा, कौन से गाँव की है? मैं गाँव की। हाँ, तिलोकपुरी से। देख तिलोकपुरी का बदमाश है, तिलोकपुरी में जिंदगी बर्बाद कर रही है। इसने मेरा जीवन साथी है, मैं इससे जीवन साथी मैं इसको। अच्छा, मेरा आदमी मर गया। अच्छा, और ये मेरा साथी कोई नहीं, मैं इसको बना की लाइफ नहीं है, मैं इसको ना बेटा खाएगा ये क्या, क्या? मैं मर भी गई। हाँ, तो इसके लिए बहुत पैसा छोड़ के मर गई। अच्छा, बहुत पैसा छोड़ के मर गई इसके लिए, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अपनी उम्र इसकी उम्र फर्क नहीं, तेरे अपनी उम्र इसकी उम्र फर्क नहीं है, क्या शादी कर ली, क्या ढूंढ रहा है शादी का? इसलिए मंदिर के आगे तुझे पता कौन है ये? तुझे पता कौन से मंदिर में आती है? मंदिर में भाई है, शनि मंदिर में। ऐसा मारूंगा रे आप तेरे मुंह पे, समझ गया, सारे कुत्ता बना दूंगा तुझे, क्या समझ रहा होगा कुछ? अरे अम्मा, ओ अम्मा, फिर देख, फिर धक्का दे रहा है, फिर धक्का दे रहा है। पीछे जा, रुक जा, रुक जा, ये रुक जा, इधर रुक जा। ये सेवा तो करेगा मेरी, सेवा तो करेगा तुम्हारी, तो तुम्हें शादी कर ली से, तुम्हारा बेटा मानती शादी करेगा, क्या मतलब तुम्हारा शादी करनी है? सो नंबर फोन कर, सो नंबर फोन करूं? कर ले भाई, कर ले है, फोन कर लूं? कर ले, बहुत पैसा छूट जाएंगे। अच्छा, बहुत पैसा लेके थप्पड़ मारूंगा भाई, मार क्यों रहा है पीछे, मार क्यों रहा है? छोड़ो हाथ, छोड़ उसका हाथ, छोड़ दे हाथ, छोड़ बर्बाद मत कर इसकी जिंदगी, बता रहा हूं तुझे। अम्मा क्या कर रही, मां की उम्र की है, तू शर्म नहीं आ रही? तेरी तेरी कोई शर्म नहीं आ रही? कोई शर्म नहीं है? क्या शर्म नहीं है? क्या शर्म है? कुछ शर्म नहीं है। ये देख कैसे कर रही है, तो करनी है क्या? तो करनी है। अच्छा ठीक नहीं, यहाँ पे भगवान क्या, तुझे भगवान माफ करेंगे ऐसी? हाँ, भगवान माफ करेंगे, भगवान शादी करने में कोई अन्याय नहीं है। अच्छा, सो नंबर फोन कर दे, प्लेट फ्लेट ठीक करेगी, हमारे बस की ना ठीक करना, तो कर। रुक जा अम्मा, तेरे समझ नहीं आ रही अम्मा, नहीं मानेगी अम्मा बीबी, नहीं माने, नहीं माने, कर दो, कर दो सो नंबर फोन कर। मेरी भी नीड है, पति नहीं है मेरा, जमीन ज्यादा रहे, अच्छी खासी पैसे वाली हूँ मैं, पैसों की लड़के की उम्र है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कुछ इतनी बड़ी बुजुर्ग लेडीज होगा, यंग लड़के तो शायद फैमिली है, मेरा पति है ठीक है, और इन्होंने इनसे शादी की है, देखो तुझे क्या मतलब है, मुझे देखो तुझे क्या मतलब है, मैं नहीं हूँ मैडम, एक सेकंड बुरा मत मानना, आपकी एज कितनी है?
50 एज है मेरी। 50 और आपकी कितनी? 23। और आपकी मैम कितनी एज है? 21। आप देखो बुरा मत मानना, आपकी ऑलरेडी वाइफ है भैया। तो मैं इससे प्यार नहीं करता ना, मैं इनसे प्यार करता हूँ। तो आप किसी बच्चे को फंसा लोगे? ऑलरेडी मैरिड है, नीड है आपकी? मेरा देखो आगे पीछे कोई भी नहीं है। मैं तेरी फैमिली वालों ने दिया क्या? मेरी प्रॉपर्टी है, आईफोन दिया है, आईफोन की वॉच दिया है, मेरा पति है, कैसे छोड़ सकती हूँ। तो गाइस आपने इससे भी देख लिया, तो गाइस चलिए आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जो कि आप देखिए। एक यानी कि क्या, तो एक बाप जबरदस्ती अपने बेटी से शादी करता है और क्या बोल रहा है कि ये मेरी फ्रेंड, सॉरी फेसबुक फ्रेंड है, और फेसबुक फ्रेंड है और उससे जबरदस्ती शादी करता है, और उसकी बेटी जबरदस्ती ये भी बोलती है कि नहीं ये मेरे पापा है। तो गाइस ये भी वीडियो देखिए। मेरे पापा ये मेरे को घर पे बैड टच करते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम्हें बेच दूंगा। ये भगवान क्या, मेरे पढ़ती थी फेसबुक फ्रेंड है, बड़ा हरामी हो बेटा। आप झूठ बोल रहे हो अंकल जी। भाई फेसबुक फ्रेंड है, मैंने शादी की। दीदी क्या बात है? भाभी बोलो, भाभी बुलवाऊं भी? दीदी दीदी कौन है आपके? ये मेरे पापा है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट खबर में। जब तक के लिए इन सब चूतियों को छोड़ दीजिए, इन सब के बारे में सोचना ही बेकार है, और जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं वो तो सबसे बड़ी चूती है। बस ये सब मैं आप लोगों को इसलिए दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि ये दुनिया कैसे चल रही है और इस दुनिया में हो क्या रहा है। तो गाइस सच्ची और अच्छी और पक्की खबर देखने के लिए आप अपने YouTube चैनल द रियल न्यूज को दबाकर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।